फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंस्टेंट और डिलीशियस रेसिपी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ इंस्टेंट जलेबी, बिल्कुल हलवाई जैसी कुरकुरी और रसीली जलेबी बनकर हमारी तैयार होगी, वो भी सिर्फ 10 से 15 मिनट में। तो चलिए दोस्तों, आज की लाजवाब रेसिपी शुरू करते हैं। तो हलवाई की तरह कुरकुरी और रसीली जलेबी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप मैदा। तो अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप दही, और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच सिरका। सिरका डालने से हमारे जलेबी में हल्का सा खटास आएगा, जिससे हमारी जलेबी बहुत ही लाजवाब लगेगी। आप चाहो तो यहाँ पे सिरका को स्किप भी कर सकते हो। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 छोटी चम्मच हल्दी। आप चाहो तो यहाँ पे रेड फूड कलर या फिर ऑरेंज फूड कलर डाल सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा डालकर अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेंगे। तो अब इसमें धीरे धीरे पानी डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स करते जाएंगे। एक साथ पूरा पानी नहीं डालेंगे, धीरे धीरे करके पानी डालें और अच्छी तरह मिक्स करते जाएं। हमें यहाँ पे जलेबी का बैटर को ज़्यादा पतला नहीं करना है, ना तो हमारी जलेबी ख़राब बनेगी। बैटर को हमें ज़्यादा ना पतला करना है, ना ही ज़्यादा गाढ़ा करना है। हमें मीडियम थिकनेस बैटर तैयार कर लेना है। तो अब इसे अच्छी तरह हाथों से मिक्स करते जाएंगे। इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, इसीलिए अच्छे तरह से हाथों से इसे मिक्स कर लेंगे। कम से कम इसे 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह हाथों से इसे फेंट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से इसे फेंट लिया है। तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह आपको बैटर बनाकर तैयार कर लेना है। और अब हम इसे 6 से 7 मिनट के लिए ढककर छोड़ देते हैं। और अब हम चलते हैं इसका चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई लिया है, उसमें 1 कप चीनी डालेंगे और फिर 1/2 कप चीनी डालेंगे, मतलब कि टोटल 1.5 कप मैंने यहाँ चीनी डाल दिया है। और अब हम यहाँ पे डालेंगे 1 कप पानी। तो अब चीनी को अच्छी तरह मेल्ट होने देंगे। मैं यहाँ पे चाशनी में 2 लौंग डाल दे रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। और साथ ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 से 3 इलायची। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम यहाँ पे डालेंगे 10 से 12 केसर के धागे, इससे हमारे चाशनी में अच्छे से कलर आ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे कलर भी डाल सकते हो। और अब इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह पका लेंगे। हमें चाशनी की कोई एक तार दो तार नहीं बनाना है यहाँ पर, बस चाशनी चिपचिपी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, हमारी चाशनी में अच्छी तरह से उबाल आने लगी है। तो अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच नींबू का रस डाल देंगे। यहाँ पर हमारी जो चाशनी है वो एक तार की बनने वाली है, पूरी तरह बनी नहीं है, बस इस स्टेज तक हमें पकाना है। अब यहाँ पे हम गैस को ऑफ कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे चाशनी तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब अपने जलेबी के बैटर को देख लेते हैं। तो इसे एक बार और मिक्स कर लेते हैं। तो अब इस बैटर को हम जलेबी वाले मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अगर आपके पास ये जलेबी वाले मोल्ड नहीं है तो आप किसी भी पाइपिंग बैग में डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बैटर को ट्रांसफ़र कर दिया है जलेबी वाले मोल्ड में। तो अब चलते हैं इसकी जलेबी बनाते हैं। जलेबी बनाने के लिए यहाँ पे एक पैन लिया है और इसमें तलने के लिए तेल डाल दिया है। तो यहाँ पर तेल अच्छी तरह गर्म हो चुकी है। तो अब हम अपने जलेबी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस जलेबी को मीडियम फ्लेम पर ही हमें फ्राई करना है। तो फ्लेम को कर देंगे मीडियम और अच्छी तरह से जलेबी को लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। अब जलेबी को फ्राई करते जाएंगे और गुनगुने चाशनी में डालते जाएंगे। जलेबी को 5 से 6 सेकेंड के लिए चाशनी में अच्छी तरह डिप कर लेंगे।
फिर इस जलेबी को चाशनी से निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हम सारे जलेबी तैयार कर लेते हैं। इस तरह से हम सारे जलेबी को फ्राई करते जाएंगे और गुनगुनी चाशनी में डालते जाएंगे। तो लीजिए दोस्तों, तैयार हो चुका है हमारा हलवाई स्टाइल कुरकुरी और रसीली जलेबी। अगर आपको कभी कुछ मीठा खाने को मन करे तो आप ये इंस्टेंट जलेबी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। सिर्फ 10 से 15 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही लाजवाब लगती है। और हाँ दोस्तों, अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो हमारी इस रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही लाजवाब रेसिपी के साथ।